एसएससी हो या बैंकिंग इंजीनियरिंग हो या टीचिंग अब कोई नहीं होगा फेल क्योंकि लेकर आया है सभी को सुपर कोचिंग एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री टेक्सट बुक पास तो अगर आप एस बैंकिंग एल टीचिंग डिफेंस इंजीनियरिंग स्टेट पी एस यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए और टेस्टबुक बुक पास पर चल रहा है स्पेशल एडिशन ऑफर यानी कि आपको 18 महीने का पास मिल रहा है लोएस्ट एवर प्राइस पर यानी सिर्फ और सिर्फ रुपीज टू में तो अभी जाइए अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए आपकी बचत का ध्यान रखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टबुक बुक सुपर कोचिंग पर तो हेलो गाइस वेलकम है आप सभी का टेक्सट बुक के सुपर सेशन में और गाइस यहां पे हम बात करने वाले हैं आपके लिए कुछ खास यानी कि आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे सिर्फ काम की बातें करेंगे क्योंकि आपका एस एस सी जे का एग्जाम आ गया है पास तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बहुत खास जो आपके एग्जाम को बनाएगा शानदार गाइज देखिए आज मैं आपसे जो बातें करूंगा तो चले टेक्सट बुक की सुपर कोचिंग में सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी का सादर आमंत्रण है आप सभी का अभिनंदन है तो गाइज मैं आपसे कुछ यहाँ पे खास बात करने आया हूँ एसएससी जेई मेंस की स्ट्रेटजी को लेके यानी कि जो बच्चे कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं छब्बीस तारीख को और आप सबको आप सबका पेपर है छब्बीस तारीख को जेई का पेपर है आपका छब्बीस लाइक इसी फरवरी को एस एस सी जेई का मेन्स का पेपर है आपका सो so गाइज उसके रिगार्डिंग मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे कुछ खास स्ट्रेटजी और अगर आपने ये फॉलो कर लिया छब्बीस फरवरी को आपका पेपर है गाइस ट्वेंटी सिक्स को यू आर गोइंग टू हैव एसएससी जेई मेंस पेपर सो रिगार्डिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टिप्स आई एम गोइंग टू गिव यू सो हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू राइट द कॉपी ऑफ द मेन्स एंड हाउ मच कंटेंट यू शुड राइट इन एग्जाम कि आपको कितना कॉन्टेंट लिखना है कितना आपको कैसे कॉपी लिखनी है ये कैसे आपको करना है ये हम बस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सो so गाइस छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए और जब आप एग्जाम में जाए तो आप स्ट्रेस फ्री रहें आपके पास कोई स्ट्रेस ना रहे

बीस क्वेश्चन करने हैं तीन सौ मार्क्स का आपके पास पेपर है सो गाइज इज सर हाउ टू दिस दिसंप्टेंदी पेपर इन टू आवर्स हैविंग टू आवर्स एंड इन दिस टू आवर्स टू अटेम्प्ट ऑल लाइक गाइज यू द ट्वेंटी क्वेश्चन क्वेश्चन मीन यू द बेसिक स्ट्रेटजी गाइज एम गोइंग टू गिव यू फ्यू हियर मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं इसी स्ट्रेटजी को दिमाग में जरूर रखेंगे कि आपका पेपर कैसे आप सॉल्व करें सो आई एम गोइंग टू गिव यू सब स्ट्रैटी एंड हाउ टू राइट कॉपी स्ट्रेटी गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले आप आपके लिए जो सबसे जरूरी है guys, वो है स्टे 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 काम 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 एंड एंड बी बी हैप्पी हैप्पी फर्स्ट दिस इज नॉट थ्योरी दिस इज लॉजिकली करेक्ट अगर आप एग्जाम में खुश रहेंगे तभी आप पेपर बेहतर कर पाएंगे अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे दिमाग में तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता ठीक गाइस तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखेंगे और मुस्कुराते हुए पेपर अटेम्प्ट करेंगे क्लियर दूसरी चीज अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट अटेम्प्ट दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन इन विच यू आर फेमिलियर सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अबाउट विच यू आर फेमिलियर Like if you are uh, if you have expertise in theoretical section, or if you have expertise in numerical section, or you have expertise in derivation point part of uh, section, then accordingly you have to choose your uh, like area. Agar एक्सपर्टीज गाइज न्यूमेरिकल में तो आप पहले न्यूमेरिकल करिए बट रिमेंबर देर इज अज चांस ऑफ मिस्टेक इन न्यूमेरिकल सो ऑलवेज बी केयरफुल वाई सोल्विंग द न्यूमेरिकल सो इफ यूर इफ यू आर है एक्सपर्टीज इन न्यूमेरिकल अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करें कि आपकी एबिलिटी अच्छी है इफ यूर न्यूमेरिकल सोल्विंग एबिलिटी इज दट मज गुड डेफिनेटली यू शुड यू मस्ट अटेम्प्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट और अगर आपकी थ्योरी का सेक्शन अच्छा है सो यू मस्ट अटेम्प्ट थोरी फर्स्ट इफ यू आर लाइक

इक एटी टू नाइनटी परसेंट मार्क आपको थ्योरी में मिलेगा आपको थ्योरी में यूर गेट ओनली एटी टू नाइन परसेंट मार्क बट इन न्यूमरिकल यू में अचीव हंड्रेड परसेंट मार्क नाउ दिसंट नाउ गाइस ऑलवेज यूज योर वॉच यूज योर वॉच जस्ट कीप यर वॉच बिफोर यू बिफोर योर डेस्क In front of you, keep your watch. अपने watch and remember, guys, you have only six minutes. You have only six minutes for one question because you have to attempt twenty questions For one question, you have six minutes. So total, you one twenty minutes you are having means two contact passing So guys, in any condition, this is must condition. I am give, going to give you what is must condition. Must condition, must condition means which is very very important condition. You should always remember that condition while sitting in the examination hall. Always finish the question in six minutes. Not more than this. More than this. If you are using, if you are taking more time than six minutes, definitely you are spoiling your next question. ंग य नेक्स्ट क्वेश्चन सो ऑलवेज फिश इन इन एट एनी कॉस्ट एनी हाउ हमेशा क्वेश्चन को छह मिनट के अंदर फिनिश करिए चाहे कुछ भी हो जाए घड़ी को रखिए सामने ऑन करके छह मिनट के अंदर आपको सोल्व करना ही करना है नाउ गाइस अब आप पूछेंगे सर ये छह मिनट में क्वेश्चन कैसे कवर करें सपोज द इन देपर देर इज ए बर्नोलीज क्वेश्चन कैसे फिनिश करें और आई हैव टू राइट दिलविन प्लांक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल द लाइक अजम्पन लाइक प्लांक स्टेटमेंट क्लोसे स्टेटमेंट हीट इंजन हीट पंप रेफ्रजरेटर सीओ पी सो कैसे सोल्व करेंगू यू लेसन गाइज रिमेंबर वेरी केयरफुल हाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सिक्स मिनट गाइज जस्ट राइट टू द पॉइंट आंसर हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखें क्या लिखेंगे To the point answer. Only write to the point answer. Don't try to decorate the copy. This is not your marriage function. This is just an exam. You just have to give the answer. You start directly from the answer. Start directly from the answer. Like, uh, suppose that any question of the heat pump is given to you. Just write here given. Given. Yes. TL is this. TH is this. And uh, like, uh, heat supply is this. Heat rejection is this. And start the question.

चौदह मिल जाएगा लेकिन टाइम लगेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छूट जाएगा एक नंबर के चक्कर में आपने पंद्रह नंबर का लॉस कर लिया तो अग्ज आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना रफ लिखो मतलब ऐसा राइटिंग लिखो जो समझ में आ जाए रफ लिखो ऐसा राइटिंग लिखो जो समझ में आ जाए ओके सो जस्ट डोंट गो फॉर द डेकोरेटिंग द कॉपी कॉपी को डेकोरेट नहीं करना जस्ट राइट डाउन द आंसर टू द पॉइंट उसके बाद और क्या करना अगर अगर आपने रफ राइटिंग लिखी मान लीजिए आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो क्या हो जाएगा आपको जहां पंद्रह में से चौदह मिल रहा था कितना मिलेगा पंद्रह में से बारह मिल जाएगा यही मिल जाएगा ना बट अगला क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे लेकिन अगर आप यहां से पंद्रह में से चौदह अगला क्वेश्चन छूट जाएगा और वो आपके लिए लॉस हो जाएगा और एक एक नंबर से रैंक जाती है तो टू द पॉइंट रहिए जस्ट बी आंसर ओरिएंटेड जो पूछा है वही बताना है उसके अलावा कुछ नहीं अगर बोला केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट तो सिर्फ केल्विन प्लांक बताओ क्लॉसियस नहीं बताना सेकेंड लॉ डिफाइन मत करो कि इट इज द ऑफ गिव्स अ डायरेक्शन नहीं जो पूछा है सिर्फ वो बताओ क्लियर टू द पॉइंट आंसर करेंगे जो लिखना है वो लिखेंगे अब लाइक गाइस एक चीज मैं आप Last, आपको और बता दूं लास्ट आपको डूज क्या करने हैं और डोंट्स क्या रखने हैं सबसे पहला में आपको करना है बी हैप्पी सबसे पहले अनस्टे काम रिलैक्स्ड बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगे सबसे पहले डोंट टेक द स्ट्रेस डोंट टेक द स्ट्रेस आप खुश रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे रिलैक्स्ड रहेंगे और क्या करेंगे एकदम टू द पॉइंट आंसर टू द पॉइंट आंसर करेंगे और क्या करेंगे डू नॉट डेकोरेट द कॉपी डू नॉट डेकोरेट चलो इसको इस, उसमें कवर कर लेंगे में और क्या करें टू द पॉइंट आप आंसर करेंगे और क्या करेंगे अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन दैट सेक्शन इन विच यू आर एक्सपर्ट जो आपकी एक्सपर्टीज है सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन का सेक्शन हो चाहे थ्योरेटिकल का सेक्शन हो ठीक है आप ये करेंगे एंड गाइस डोन्स में क्या करना है डोंट्स में कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना स्ट्रेस नहीं लेना टेंशन नहीं लेना और कॉपी को डेकोरेट नहीं करना डू नॉट डेकोरेट द कॉपी डू नॉट डेकोरेट द कॉपी कॉपी को आपको डेकोरेट नहीं करना है ना आपको एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डू नॉट इलेबोरेट द क्वेश्चन अननेसेसरी अननेसेसरी का इलेबोरेशन मत करिए अननेसेसरी का इलेबोरेशन नॉट रिक्वायर्ड unnecessary elaboration not required so guys with all these tips i think this video will definitely help you all the sscj mains aspirants examinees i hope this video will definitely help you a lot and so go through the video and share with your friends as well and i hope you are having you are going to have a greatest ever exam तो आप सबका एग्जाम बहुत बेहतर होगा एंड एंड यू 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 आर आर ऑल चैंपियंस विल डेफिनेटली रॉक द एग्जाम तो बिल्कुल टेंशन ना लेंगे अभी खुश रहेंगे मस्त रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे और अभी आराम से तैयारी करेंगे ठीक है गाइस तो चलिए अगर और जो भी ए मैकेनिकल के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लाइक एसएससी जेई का फिर से एग्जाम आ गया है अगस्त में आपका फिर से एग्जाम शेड्यूल होगा तो जो बच्चे और हैं जो नए बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया चलो वो तो अलग बात है लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन मान लीजिए किसी कारणवश रुका हुआ है जिनका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ या जो मेंस अभी चलो मेंस है नहीं तो जो, जो बच्चे प्री में सेलेक्ट नहीं हुए जिनका मेंस में कुछ नंबर से रुक गया तो अगर वो बच्चे फिर से तैयारी करना चाहते हैं गाइस तो आप टेक्स्ट बुक आप यहाँ पे कोर्स ले सकते हैं यहाँ से इस समय आपको मिल रहा है बचत ही बचत सेल यानी कि आज है बीस फरवरी और बीस फरवरी और इक्कीस फरवरी दो दिन आपको मिल रहा है अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है टेस्ट बुक पे आपका अफोर्डेबल प्राइस में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और पूरा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा छह महीने का कोर्स और तीन महीने का एक्स्ट्रा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा यानी कि छह महीने के प्राइस में आपको नौ महीने का कोर्स यहाँ पे टेस्ट बुक अवेल कर रही है जिसमें आपको सुपर टीचर्स का बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा और आपको डियर सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सुपर टीचर्स मिलेंगे सारे मॉक टेस्ट एस 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 के आरआरबी जे के सारे एग्जाम के ए जी लेवल के सब आपको टेस्ट विद प्रॉपर सॉल्यूशन यहां पे दे दिए जाएंगे ठीक है गाइस इसके अलावा ये सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे जिनके अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की को हैंडल करेंगे लाइक कोई फ्रूट पढ़ाएगा कोई थर्मल का पार्ट पढ़ाएगा कोई डिजाइन का पार्ट पढ़ाएगा तो हमारे पास सब अलग अलग, अलग, अलग एक्सपर्ट हैं जो आपके डाउट को लेंगे आपकी क्लास को रेगुलरली पैटर्न पर लेंगे उसके बाद आपके डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे फिर आपका आप वहां पर टेस्ट भी होगा और आपको टेस्ट देने आप टेस्ट देंगे फिर आपके नंबर आपको बताए जाएंगे लाइक आपके परफॉर्मेंस को चेक करने का भी हमारे पास पैरामीटर है तो ये सब आपको गाइस बहुत ईजी प्राइस में अवेलेबल हो रहा है सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा thank you so much guys have a good day take care and bye bye exam and i hope and i believe this i have a strong belief that you are uh, you are going to have a greatest ever exam or your exam very good thank you so much guys have a good day and take care